Hello everyone, in this video you will get to know how we can create pie chart using pyplot module of matplotlib library. So let us start. Pie is a type of graph in which circle is divided into different sectors. तो pie chart कैसा होता है? In the form of circle, जिसको आप किस form में divide करते हो? In sectors, right? These sectors are also called as wedges. इन sectors को wedges भी कहा जाता है. Each sector represents a part of the whole. जो भी sector है वो क्या represent करता है? ये complete chart का particular part represent करता है, right? The arc length of each sector is proportional to the quantity we are describing. तो जो जितने भी sectors होती हैं उसकी arc length क्या describe करती है कि कितनी quantity है, right? Okay? See, the arc length of each sector is proportional to the quantity. किसके proportional है arc length? Quantity के proportional है. अगर quantity ज़्यादा है तो arc length क्या होगी? ज़्यादा होगी. और अगर quantity कम है तो arc length क्या होगी? कम होगी, right? A pie plot is used to represent numerical data. Pie plot किसको represent करता है? Numerical data को represent करता है, right? तो pie plot से आप कौन सा data represent कर सकते हो? आप numerical data represent कर सकते हो. We can use pie function of pie plot to plot pie chart. आप pie plot module के pie function का use करते हो क्या create करने के लिए? Pie chart create करने के लिए, okay? Here we have one example to plot a pie chart for the popular languages among the student. तो यहाँ पे हम pie chart create कर रहे हैं on the basis of the popularity of the languages, right? कि students को कौन सी language ज़्यादा पसंद है, right? मतलब किस proportion में languages पसंद की जा रही है student के among, right? Okay, first क्या है? Import matplotlib.pyplot as plt. सबसे पहले आप matplotlib library को क्या करोगे? Import करोगे matplotlib.pyplot. जो ये कंप्लीट मॉड्यूल है ये आपने क्या किया? इंपोर्ट किया एज पीएलटी. अब यहाँ पे पीएलटी क्या दे दिया आपने? इसका एलियास नेम. तो ये कंप्लीट आपको स्टेटमेंट यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सिर्फ पीएलटी का यूज कर सकते हो. ओके, नाउ डेटा टू प्लॉट. अब कौन सा डेटा आपको प्लॉट करना है? आपने लेबल्स ले लिए यहाँ पर. ओके, पाइथन, सी प्लस प्लस, सी एंड जावा, राइट? आपने लैंग्वेजेस के नेम ले लिए एज अ लेबल्स. देन साइजेस, साइज ले लिया आपने कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो पाइथन जिनको पसंद है 215, देन सी प्लस प्लस 245, जावा जिनको पसंद है 130, देन सॉरी सी जिनको पसंद है 130, जावा 210. ओके, साइज ले लिया आपने, राइट? नाउ कलर्स. अब जो भी सेक्टर्स आएंगे, जो भी सेक्टर्स क्रिएट होंगे उनको आप डिफरेंट डिफरेंट कलर्स दे सकते हो, राइट? फर्स्ट जो है पाइथन को आपने रेड दे दिया, देन आपका सी प्लस प्लस येलो दे दिया, सी को आपने ग्रीन दे दिया, एंड देन जावा को आपने ब्लू दे दिया. ओके, आपने इनिशियलाइज कर दिया कलर्स वेरिएबल को बाय द लिस्ट ऑफ द कलर्स, राइट? नाउ वी हैव एक्सप्लोर. ओके, अब एक्सप्लोर क्या है? ये क्या रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट हाउ फार फ्रॉम द सेंटर ईच वेज इज डिस्प्लेड. मतलब सेंटर से कितना दूर ये पर्टिकुलर वेज, ये पर्टिकुलर सेक्टर डिस्प्ले होगा, राइट? एक्सप्लोर मींस सेंटर से एक पर्टिकुलर वेज, एक पर्टिकुलर सेक्टर कितनी दूर डिस्प्ले होगा. तो यहाँ पे देखो, जो फर्स्ट वेज है पाइथन वाला वेज है उसको हमने दिया हुआ है 0.1. ओके, एंड जो सी प्लस प्लस, सी एंड जावा है उसमें हमने सिंपली 0.0 दे दिया. ओके, तो ये तो कम्प्लीटली क्या है? सेंटर से जुड़े हुए हैं, फाइन. लेकिन हमने जो फर्स्ट वाला वेज है उसमें हमने डिस्टेंस दे दिया 0.1 का. तो यहाँ पे आप पिक्चर में भी देख सकते हो पाइथन वाला जो वेज है वो स्लाइटली क्या है? सेंटर से अलग है. ओके, नाउ पीएलटी डॉट पाई. अब हम पाई प्लॉट के पाई फंक्शन का यूज करेंगे और इसके अंदर पैरामीटर्स और यू कैन से आर्ग्यूमेंट्स को पास करेंगे. अब मैंने आपको बताया था पाई जो पाई प्लॉट होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? न्यूमेरिकल वैल्यूज रिप्रेजेंट करता है. तो यहाँ पे हमको क्या दिखाना है कि कितने स्टूडेंट्स, ओके, कितने स्टूडेंट्स पाइथन को पसंद करते हैं, कितने सी प्लस प्लस को, सी एंड जावा. तो आपने जो फर्स्ट पैरामीटर पास किया है वो साइज पैरामीटर पास किया है, राइट? ओके, अब इसमें जो आर्क बनेगा वो किसके अकॉर्डिंगली बनेगा? साइज के अकॉर्डिंगली बनेगा. देन एक्सप्लोर के अंदर आपने एक्सप्लोर को पास किया, एक्सप्लोर वेरिएबल को यहाँ पे आपने पास कर दिया है, राइट? क्योंकि ऑलरेडी आपने एक्सप्लोर को डिफाइन कर दिया है. या तो सिंपली आप डायरेक्टली जब आपने फंक्शन के अंदर ही आप इसको डिफाइन कर सकते थे, बट हम इसको ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं तो सिंपली आपने एक्सप्लोर इक्वल टू एक्सप्लोर लिख दिया यहाँ पे, राइट? लेबल्स, लेबल्स भी हमने दे चुके हैं तो हमने ये वाला वेरिएबल यहाँ पे लिख दिया लेबल वाला.
ओके कलर्स, कलर्स वाला वेरिएबल में आपकी वैल्यू है, आपने कलर्स दे दिए। ओके देन शेडो, शेडो आपने यहाँ पे क्या कर दिया, ट्रू। अगर आपने शेडो ट्रू की है तो क्या होगा, इसकी शेडो आएगी। तो आप पिक्चर में देख सकते हो यहाँ पे शेडो भी दिखाई दे रही है, राइट ओके तो शेडो भी है हमारे पास। नाउ स्टार्ट एंगल, स्टार्ट एंगल आपका क्या है, 140, राइट। तो आपका ये यहां से स्टार्ट होगा, यहां से स्टार्ट होगा 140 स्टार्ट एंगल पे, राइट ओके। एंड काउंटर क्लॉकवाइज चलेगा, मतलब लाइक दिस, पाइथन फर्स्ट लैंग्वेज, देन आपकी सी प्लस प्लस सेकेंड लैंग्वेज, देन आपकी सी थर्ड लैंग्वेज एंड लाइक दिस, ओके। तो ये काउंटर क्लॉकवाइज चल रहा है, ओके राइट। तो स्टार्ट एंगल आपका क्या था, यहाँ पे 140 से आपने स्टार्ट किया इसको, राइट। बाय डिफॉल्ट जो इसका स्टार्ट होता है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, जीरो एंगल से, ओके। देन आपने क्या किया है, PLT डॉट लेजेंड, लेजेंड फंक्शन से क्या आया है आपके पास, लेजेंड आ गए हैं, ठीक है। देन आपने चार्ट को डिस्प्ले कराने के लिए क्या किया है, PLT डॉट शो फंक्शन, ये आपका चार्ट डिस्प्ले हो गया, अंडरस्टूड। नाउ हियर वी हैव पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स यूज्ड इन मेकिंग पाई चार्ट, ओके। लेबल्स, अब ये आपके क्या है, लेबल्स, पाइथन, जावा, सी, सी प्लस प्लस, ये आपके क्या है, लेबल्स। एड लेबल्स टू द पाई चार्ट विद द लेबल पैरामीटर, लेबल पैरामीटर की हेल्प से। देखो मैंने ये वाली हमने कोडिंग की थी, लेबल पैरामीटर की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, लेबल्स को एड कर सकते हो। द लेबल पैरामीटर मस्ट बी एन एरे विद वन लेबल फॉर ईच वेज। तो लेबल पैरामीटर में क्या है, आप क्या देते हो, आप देते हो सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज, राइट ओके। और आपको क्या देखना है कि जितने आपकी वेजेस बनने हैं उतने ही आप लेबल्स दोगे, ओके। नाउ स्टार्ट एंगल, द स्टार्ट एंगल पैरामीटर इज डिफाइंड विद एन एंगल इन डिग्रीज। स्टार्ट एंगल में आप क्या करते हो, देखो ये स्टार्ट एंगल हमने दिया था 140, ओके यहाँ पे हमारा था 140 नियर अबाउट, ये देखो ये हमारा 140 से स्टार्ट हुआ था, 140 से स्टार्ट हुआ था, ओके तो कहाँ से आपका स्टार्ट होगा। द स्टार्ट एंगल पैरामीटर इज डिफाइंड विद एन एंगल इन डिग्रीज, डिफॉल्ट एंगल इज जीरो। डिफॉल्ट एंगल आपका क्या होता है, जीरो। अगर आपने नहीं दिया है तो आपका वेजेस कहाँ से बनना स्टार्ट होंगे, आपके वेजेस यहाँ से बनना स्टार्ट होंगे और काउंटर क्लॉक वाइज डायरेक्शन में जाएंगे, इस डायरेक्शन में जाएंगे, अपोजिट टू द क्लॉक, राइट लाइक दिस, ओके। बाय डिफॉल्ट प्लॉटिंग ऑफ द फर्स्ट वेज स्टार्ट फ्रॉम द एक्स एक्सिस एंड मूव्स काउंटर क्लॉकवाइज। और अगर आपने नहीं दिया, मैंने बताया कि आपका यहाँ से स्टार्ट होगा वेजेस बनना जीरो डिग्री से और आपका काउंटर क्लॉकवाइज आपके वेजेस बनते जाएंगे, ओके। नेक्स्ट वी हैव एक्सप्लोर्ड पैरामीटर, ठीक है। द एक्सप्लोर्ड पैरामीटर इफ स्पेसिफाइड एंड नॉट नन। अगर आपने एक्सप्लोर्ड पैरामीटर, जहां जैसे हमने ये दिया था एक्सप्लोर्ड पैरामीटर आपने स्पेसिफाई किया है, मस्ट बी एन एरे विद वन वैल्यू फॉर ईच वेज, राइट। तो एक्सप्लोर्ड पैरामीटर में आप वैल्यूज दोगे, तो हमने पाइथन के लिए क्या दिया था, 0.1 दिया था, राइट वैल्यू, और बाकी सबके लिए हमने क्या दिया था, 0.0 दिया था। तो बाकी जो है वेजेस वो क्या है, वो सेंटर से दूर नहीं है क्योंकि सबकी वैल्यू जीरो थी, बस पाइथन की वैल्यू हमने 0.1 दी थी, तो ये क्या है, स्लाइटली सेंटर से क्या है, अलग है, राइट थोड़ा सा दूर है, ओके। ईच वैल्यू रिप्रेजेंट हाउ फार फ्रॉम द सेंटर ईच वेज इज डिस्प्लेड। तो एक्सप्लोर्ड में जो आप वैल्यूज देते हो उससे क्या पता चलता है कि आपके जो वेजेस है वो सेंटर से कितनी दूरी पर डिस्प्ले होंगे, राइट। नेक्स्ट पैरामीटर इज शेडो, एड अ शेडो टू द पाई चार्ट बाय सेटिंग द शेडोज पैरामीटर टू ट्रू। अगर आपको शेडो भी क्रिएट करनी है तो आप क्या करोगे, शेडो पैरामीटर को पास करोगे, उसकी वैल्यू को क्या रखोगे आप, ट्रू, ओके। कलर्स, यू कैन सेट द कलर ऑफ ईच वेज विद द कलर्स पैरामीटर। द कलर्स पैरामीटर इफ स्पेसिफाइड मस्ट बी एन एरे विद वन वैल्यू फॉर ईच वेज, ओके। तो यहाँ पे हम कलर्स पैरामीटर के अंदर कलर्स की वैल्यूज दे सकते हैं, राइट अकॉर्डिंग टू द वेजेस। अगर जितने नंबर ऑफ वेजेस है उतनी ही आप कलर्स दे सकते हो, राइट। नाउ वी हैव एग्जाम्पल टू, टू प्लॉट अ पाई प्लॉट फॉर द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन अ पर्टिकुलर स्ट्रीम इन अ स्कूल, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या दिखा रहे हैं कि कितने स्टूडेंट्स ने कौन सी स्ट्रीम ली है, राइट परसेंटेज क्या है। तो सबसे पहले क्या है, आपको लाइब्रेरीज को इम्पोर्ट करना है, इम्पोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाइप्लॉट एस PLT, राइट। तो हम किसको यूज करेंगे, PLT को, जो एलियास नेम है इसका, ठीक है, मैटप्लॉटलिब डॉट पाइप्लॉट मॉड्यूल का, ओके। नाउ प्लॉट डेटा, कौन सा डेटा हमको प्लॉट करना है, स्ट्रीम, स्ट्रीम आपने ले लिया, ये हमने क्या लिए, यहाँ पे हमने लिए लेबल्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स विद मैथ्स, कॉमर्स विद IP, ह्यूमैनिटीज, राइट। नाउ जो
जो रियल डेटा प्लॉट होगा वो क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, मेडिकल कितने बच्चों ने लिया है, 32, नॉन मेडिकल 41, देन कॉमर्स विद मैथ्स 55, कॉमर्स विद आईपी 60, ओके ह्यूमैनिटीज 50। ओके, कलर्स भी आपने डिफाइन कर दिए कि कलर्स जो आपके हैं, जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, राइट, वो रेड कलर से आएंगे, मतलब उसका जो बनेगा वेज वो कैसे बनेगा, रेड कलर का। नॉन मेडिकल का वेज बनेगा गोल्ड कलर का, देन येलो, देन ब्लू, देन ऑरेंज, लाइक दिस। ओके, नाउ एक्सप्लोड, एक्सप्लोड भी आपने दे दिया कि एक्सप्लोड में आपने 0.1 दे दिया, जो फर्स्ट वेज होगा मतलब मेडिकल वाला होगा वो कितना होगा, सेंटर से 0.1 क्या होगा उसका डिस्टेंस होगा सेंटर से, राइट। नाउ वी विल प्लॉट द ग्राफ। तो यहाँ पे plt.py फंक्शन, पाई फंक्शन में आपने क्या पास किया, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो प्लॉट होगा, ठीक है, न्यूमेरिकल डेटा जो हमारे यहाँ पे प्लॉट होगा। एक्सप्लोड आपने दे दिया है, ठीक है, एक्सप्लोड वेरिएबल में आपने एक्सप्लोड को दे दिया है, राइट। ओके, लेबल्स में आपने क्या दिया है, कौन से लेबल्स आएंगे, स्ट्रीम, ये आपने स्ट्रीम दे दिया है। कलर्स, कलर्स आपने यहाँ पे डिफाइन कर दिया था, रेड, गोल्ड, येलो, ब्लू, ऑरेंज, तो ये आपने ये वेरिएबल यहाँ पे दे दिया है। ओके, नेक्स्ट वी हैव ऑटोपीसिटी, राइट। ओके, ऑटोपीसिटी जो है आपका वो क्या है, ये इसकी हेल्प से आप क्या करोगे, यहाँ पे देखो दिया है हमने 1.1, राइट, 1.1 का मतलब है ऑटोपीसिटी जो ये पैरामीटर है, इसकी हेल्प से आप परसेंटेज को डिस्प्ले करा सकते हो सेक्टर्स पर, राइट। और यहाँ पे 1.1 का मतलब है कि आफ्टर डेसिमल द इंटीजर कैन हैव, सॉरी, आफ्टर डेसिमल पॉइंट यू कैन हैव वन डिजिट, राइट। देखो यहाँ पे जैसे परसेंटेज, इसका परसेंटेज आया 13.4, ओके, आफ्टर डेसिमल वन डिजिट, देन 21.0, देन 24, तो यहाँ पे जो ये परसेंटेज आई है वो क्या बता रहा है, ये परसेंटेज है कि जो कंप्लीट आपका पाई चार्ट है उसका कितना परसेंट ये पर्टिकुलर सेक्टर ऑक्यूपाई कर रहा है। जैसे ये सेक्टर 25.2% ऑक्यूपाई कर रहा है, ये सेक्टर 21.0% ऑक्यूपाई कर रहा है, ये 13.4 ऑक्यूपाई कर रहा है, ये 23.1 ऑक्यूपाई कर रहा है, लाइक दिस। ओके, तो ये पूरा का पूरा यहाँ पे किसकी हेल्प से, कौन से पैरामीटर से आया आपका, ऑटोपीसिटी, राइट। ओके, राइट, नाउ plt.title, आपने टाइटल दे दिया, यहाँ पे हमने चार्ट को टाइटल भी दिया है, ग्रुपिंग ऑफ स्टूडेंट ऑन द बेसिस ऑफ एलोकेटेड स्ट्रीम्स। देन plt.legend, आपने लेजेंड भी दिया, लेजेंड में भी आपने एक पैरामीटर पास किया है टाइटल का, स्टूडेंट स्ट्रीम, तो देखो लेजेंड भी आया है अलोंग विद द टाइटल स्टूडेंट स्ट्रीम। ओके, नेक्स्ट आपने क्या किया है, अपने ग्राफ को शो करा दिया है plt.show फंक्शन की हेल्प से, राइट। नाउ सी ऑटोपीसिटी, ऑटोपीसिटी इनेबल्स यू टू डिस्प्ले द परसेंटेज, ओके, या ऑटो परसेंटेज है, डिस्प्ले द परसेंटेज वैल्यू ऑफ ई स्लाइस। तो ये यहाँ पे जो ऑटो परसेंटेज यू कैन से क्या है, ये क्या कर रही है, डिस्प्ले कर रही है कि कितना परसेंट एक पर्टिकुलर सेक्टर ऑक्यूपाई कर रहा है ऑफ ई स्लाइस यूजिंग पाइथन स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग। फॉर एग्जाम्पल, ऑटो परसेंटेज ऑफ परसेंट 1F डिस्प्ले द परसेंट वैल्यू ऑफ वन डेसिमल प्लेस, मतलब अगर आपने 1F डिफाइन किया है तो आपकी आफ्टर डेसिमल पॉइंट क्या होगा, 1%, जो 1 डिजिट आएगा आपका, ठीक है। और अगर मान लो आपने 2F अगर दिया है तो आफ्टर डेसिमल क्या आएगा, क्या आएगा आपके, 2 डेसिमल प्लेसेस आएंगे, राइट। ओके, नाउ वी हैव द लेजेंड विद हेडर, जो मैंने भी आपको बताया था, अगर आपको लेजेंड में हेडर भी देना है तो आप क्या करोगे, टू ऐड हेडर टू द लेजेंड, ऐड द टाइटल पैरामीटर टू द लेजेंड फंक्शन। तो आपको लेजेंड फंक्शन के अंदर भी क्या पास करना पड़ेगा, टाइटल पैरामीटर को पास करना पड़ेगा, राइट। ओके एवरीवन, नाउ वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल।